अब जैसे ये है, इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 लाइंस ड्रॉ कर लो, किससे, स्केल से ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से 4 लाइन ड्रॉ कर लो, ये 4 लाइन ड्रॉ कर ली। और पहले 3 के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर डाल देंगे, स्केल से इसको बराबर इक्वल करके, और फिर इस तरीके से 10 डिजिट डाल देंगे। अब इसके बाद में क्या है, ये 3 किससे बड़ा नंबर है, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ 3 और 4 के ऊपर निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से यूँ ले लेंगे, यहाँ से इसको यूँ कर लेंगे और ये यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको भी 0 0 नहीं, इसके बाद में क्या है, 0.7 है, तो इसके बाद में अपन लेंगे 3 और यहाँ पर ये जो 3, ये यहाँ का जो नंबर है ये इधर लिखेंगे और यहाँ का नंबर इधर, तो 3.1 10 पार्ट कर लेंगे इसके, 1 ये यहाँ तक बीच में 5 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7 8 9 और ये यहाँ पर 10 पार्ट कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, 3.1 लिखो या 0.1 लिख दो, 3.1 3.2 3.3 3.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 कई बच्चों को दिक्कत आती है कि ये पूरा भर गया, तो इसको यूँ तिरछा लिख सकते हैं यूँ, तो ये मेरे पास में 3.7 है, तो 3.7 ये आ गया, इससे नेक्स्ट क्या 3.8, इससे पहले नहीं लेना क्योंकि 3.7 से आगे जा रही है काउंटिंग, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस तरीके से करेंगे 3.7 और 3.8 के बीच में, ठीक है। फिर 3.7 को यहाँ पर लिखूँगा मैं और 3.8 को इधर लिखूँगा मैं, 1 ये 5 तक हो गया, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3.71, अब तुमको दिक्कत आएगी इसके अंदर लिखने में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.71 3.72 इस तरीके से लिख देंगे। अच्छा तो यही होगा कि हमको क्या क्या चाहिए, 3.76 चाहिए, 2 3 4 5 6 तो 3.76 ये ले लिया और 3.77 बस इसके ये दोनों ले लिए, बाकी के चाहो इस तरीके से तिरछे लिख करके और ये यहाँ तक ले लिया, इसको भी यहाँ तक ले लिया। और अब इसमें 3.7 क्योंकि पहला 3.76 है और इसके नेक्स्ट वाला 3.77 है, तो 3.76 और 3.77 ये लेकर के इसको फिर 3 पार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, बीच में 5 ले लिए, 1 2 3 4 और ये 5, 6 7 8 9 और 10। अब 3.6 ये क्या हो जाएगा, 3.761 3.762 3.76 इस तरीके से 2 3 4 5 तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3.765 ये हो गया, ये आपका नंबर लाइन के ऊपर नंबर रिप्रेजेंट हो गया है। इस तरीके से हमको ये करने रहते हैं, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन, विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, लेकिन ये तो 2 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 4.26 बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 4.26 फिर 26 ये हो गए 4, इस पे चाहो तो बार लगा दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 तो 5 लाइंस ड्रॉ करूँगा, यहाँ से 0
यहाँ से 10, ये 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस पे लिख दो चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। मैंने पहले भी बताया था 4 पॉइंट, यानी 4 से आगे, ऐसा नहीं कि पीछे, नंबर क्या चल रहा है 4 से आगे चल रहा है, इसलिए 4 क्या यहाँ से ये और 5 यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। इसके पार्ट करेंगे कितने, वही सब के 10 10 पार्ट करने, 5 का बीच में निशान लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, क्या लिखूँगा मैं इस पर, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। तो 4.2 और 3 के बीच में, क्योंकि 4.2 4 तक, 4 की पहली लाइन हो गई है, फिर 4.2, तो 4.2 अभी लाइन और आगे चलेगी, 4.26 तक चलेगी, तो इसके नेक्स्ट 4.2 का नेक्स्ट क्या है, 4.3, ये यहाँ पर। अब इसके वापस कितने पार्ट करने हैं, यहाँ पर लिखूँगा 4.2, यहाँ पर लिखूँगा 4.3। इसके 10 पार्ट बीच में बना लेते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 4.21 आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख देना तिरछा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, ठीक है, 4.25, 4.26, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 4.26 ये रहा यहाँ पर, लेकिन अभी नंबर इससे आगे चलेगा, ये आपको ये यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया। तो पहली चीज़ फिर से मैं बता देता हूँ, 4.2626 कितनी लाइंस हैं, ये कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो 5 लाइन खींच लेनी है, सबके 10 10 पार्ट कर लेने, जितने नंबर हैं उतने ही कर लेनी है। 4 है तो 0 से लेकर के 10 के बीच में नंबर लिख लिया, 4 और 5 इसके बीच में ले लिया, फिर 4.1, 4.2, 4. तो 4.2 से लेकर के, क्योंकि ये 4.2 है नेक्स्ट, तो 4.2 का ये बना करके और 4.23 इसका नेक्स्ट लेकर के इधर लिख देंगे, फिर 4.2 इधर लिखेंगे, 4.3 इधर, 4.21, 4.22 इस तरीके से, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26। तो 4.26 यहाँ पर आ गया, यहाँ से इसको लिखेंगे, 4.27 यहाँ पर लिखेंगे, 4.26 इधर लिख दिया, 4.27 इधर लिख दिया। इसके बाद में 2, 6 है ये, 2, 6, 1, 2, 6, 2, 2, 6, 3, 2, 6, 4, 2, 6, 5 इस तरीके से सब पे डाल देंगे ये नंबर। तो मेरे को क्या चाहिए, 4.26, 2, तीसरे के, तीसरी नंबर की लाइन चल रही है, जिस लाइन पे होंगे उसी के देखेंगे, ये पहली लाइन के लिए ये, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये, चौथे के लिए ये, तो चौथे के लिए कहाँ तक, 4.262, तो 4.262 यहाँ पर लिया चौथी लाइन, और 4.623 यहाँ पर लिया। अब ये इसके भी 10 पार्ट कर देंगे, 4.262 यहाँ तक का लिया था ना, ये इधर लिखे लिखाई में आएगा, ये इसके नेक्स्ट वाला 4.6263 यहाँ पर लिखाई में आएगा। अब इसके बीच में 10 पार्ट करके 4.2621 ये 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4 करते 4.2626 ये आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज चलेगी।